दोस्तों आज हमारे पास है पल्सर N250 2024 मॉडल। इस बाइक में 2024 में क्या कुछ अपडेट हुआ है, क्या इसका माइलेज है, क्या इसका ऑन रोड प्राइस है और कितना कम से कम डाउन पेमेंट में ये बाइक को आप परचेज कर पाएंगे दोस्तों, और कितनी इसकी टॉप स्पीड है, पूरा डिटेल्स में आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो काफी अच्छा होगा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देख पा रहे हैं यहाँ हमारे सामने लगी हुई है N250 ब्लैक कलर की है। सबसे पहले हम इस बाइक की कलर की बात करते हैं, ये बाइक कितने कलर में अवेलेबल है। तो ये बाइक 3 कलर में अवेलेबल है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर लगी हुई देख पा रहे हैं, एक ब्लैक कलर है, दूसरा इसका रेड कलर है ग्लॉसी रेड, और तीसरा इसका जो मेटलिक व्हाइट कलर है। 3 कलर हमारे दुमका श्रीरंग बाजार में तीनों का तीनों कलर अवेलेबल है और तीन ही कलर में ये बाइक आती है। सबसे पहले इस बाइक की हम जो है चाबी से शुरुआत करते हैं। तो देख पा रहे हैं इस बाइक की हमारे हाथ में है और सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करके इसका सबसे पहले जो है साउंड आपको सुनाते हैं। तो ये बाइक हमारी स्टार्ट हो गई है, डुअल बैरल में यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है और दोनों की साउंड आप सुनिए। देखिए काफी अच्छी साउंड यहाँ पर आपको मिल जाती है इस बाइक में। बात कर लेते हैं इस बाइक की लुक और डिजाइन की। साइड से देख पा रहे हैं इस प्रकार से ये बाइक लगती है और यहाँ पर साइड में देख पा रहे हैं ये ब्लैक कलर की बाइक है, तो रेड का यहाँ पर ग्राफिक्स मिलता है एंड ग्रे कलर की ग्राफिक्स मिलती है और यहाँ पर फुल्ली ब्लैक में आपको 250 लिखा हुआ मिल जाएगा। और साइड आते हैं यहाँ पर कॉल में आप देख पा रहे हैं N250 की यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे आते हैं यहाँ पर इस बाइक में ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, तो यहाँ पर फुल्ली LED में बैक में टेल लैंप मिल जाता है और दो आपको इंडिकेटर मिलते हैं जो कि LED में आपको मिल जाएंगे। और इस बाइक में 1000 का फीचर आपको नहीं मिलता है, सेमी फ्लेक्सिबल आपको इंडिकेटर मिलता है। तो यहाँ पर एक लैंप आपको मिल जाएगा, नंबर प्लेट दर्शा पाएंगे और यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलेगा, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आप लगा पाएंगे और टायर अगर काफी बड़ा है और ये मड फ्लेम है फिलहाल। अब आते हैं इसकी सबसे बड़ी अपडेट और सबसे खास चीज के बारे में बात करते हैं। तो इसका पीछे का जो टायर है दोस्तों देख पा रहे हैं काफी चौड़ा आपको मिलता है, काफी मोटा मिलता है, 140 mm का यहाँ पर आपको टायर मिल जाता है। देखिए 140/70/17 का आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा इस बाइक में और 230 mm का यहाँ पर डिस्क ब्रेक पीछे में आपको मिल जाएगा दोस्तों। और ये बाइक डुअल चैनल ABS के साथ आ जाती है दोस्तों। और सबसे बड़ी खास बात की पीछे में भी आपको पेटल डिस्क मिल जाता है, देखिए यहाँ पर कटा हुआ है, इसका मतलब है कि ये पेटल डिस्क है और पेटल डिस्क जो है आपका बहुत स्मूथनेस ब्रेक को लगाती है और इसको गर्म नहीं होने देती है, इसलिए पेटल डिस्क काफी अच्छी मानी जाती है दोस्तों। और अगर आते हैं इसका फ्रंट में, तो फ्रंट में देख पा रहे हैं यहाँ पर भी आपको इस बाइक में 110 mm का टायर मिल जाता है और यहाँ पर 300 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है और फ्रंट में भी आपको पेटल डिस्क मिल जाता है। और सबसे बड़ी खास बात कि यहाँ पर आपको क्रेमिका के यहाँ पर क्लेवर मिल जाते हैं और 37 mm का यहाँ पर UHD सस्पेंशन मिल जाएगा आपको पर ग्लॉस में, और यहाँ मैट फिनिश में आपको मडगार्ड मिल जाता है, देख पा रहे ABS का यहाँ पर लोगो मिल जाता है। ये बाइक डुअल चैनल ABS के साथ आ जाती है दोस्तों। थोड़ा सा आते हैं इसके ऊपर की तरफ, तो दो आपको DRL मिलते हैं, यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं है, बाई फंक्शनल LED हेडलैम्प आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा पाएंगे और यहाँ पर एक रेड कलर की आपको डिजाइनिंग मिल जाती है दोस्तों। बाइक की लुक काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी खूबसूरत है। 14 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आ जाती है दोस्तों। थोड़ा सा टैंक खोल के आपको दिखा देते हैं, तो देखिए E20 का यहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिल जाता है, 2024 की बाइक है, देखिए अंदर से इस प्रकार से लगती है और यहाँ पर भी एक आपको गैस का सुराग मिलता है और दूसरा एक पानी निकलने का सुराग आपको यहाँ मिल जाता है। तो इस प्रकार से 14 लीटर के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी यहाँ इस बाइक में आपको मिल जाएगी। टैंक के ऊपर में आपको यहाँ पर एक USB चार्जर मिल जाएगा, आप बहुत ही आसानी से मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और साइड में देखते हैं यहाँ पर आपको पल्सर का लोगो मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर में क्रोम में आपको मिलता है। आते हैं थोड़ा सा इस बाइक के मीटर कंसोल की तरफ, तो यहाँ पर मीटर कंसोल में आपको काफी ज्यादा अपडेट मिल जाएगा। इस बाइक में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाएगा, इस बाइक में आपको ब्लूटूथ मिल जाएगा और इस बाइक में कॉल अलर्ट SMS अलर्ट, अपनी फोन की बैटरी का लेवल आप चेक कर पाएंगे, कौन आपको फोन किया है, कौन मिस कॉल किया है, सारा डिटेल्स में आप जानकारी ले पाएंगे फोन का। और टर्न बाय टर्न नेविगेशन GPS सारा कुछ इस बाइक में मिल जाएगा दोस्तों। और इस बाइक में अब आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाएगा और ये बाइक में आपको 3 मोड मिल जाएंगे। ऑफ रोडिंग मोड में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे, देख पा रहे हैं यहाँ पर TCS लिखा हुआ, यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल इस बाइक में मिल जाएगा दोस्तों। और इस बाइक में गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल जाएगा दोस्तों, ट्रिप भी आपको मिल जाएगा, बहुत कुछ इसमें बदल गया है दोस्तों। अब आते हैं हैंडल बार की तरफ, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्लैक कलर का मैट में आपको हैंडल बार मिल जाता है। और आते हैं अब स्विचेज की तरफ, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं काफी प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पर स्विचेज आपको मिल जाते हैं। ये आपका देखिए यहाँ वहाँ देखिए विजिबिलिटी,
ये आपका पासिंग स्विच हो गया है और ये हाई बीम लो बीम यहीं पे आपको मिल जाएगा। और ये इसका मोड का बटन हो जाता है, किस मोड में आप बाइक को चलाना चाहते हैं। पहला रेन मोड है, रोड मोड है और ऑफ रोडिंग मोड है। तीन मोड इस बाइक में आपको मिल जाएंगे। ये इसका इंडिकेटर का स्विच हो गया, ये इसका हॉर्न है, हॉर्न ठीक ठाक है, काफ़ी लाउड आपको यहाँ पर हॉर्न मिल जाता है। यहाँ पर इंजन स्टॉप स्विच और यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्विच है, बाइक स्टार्ट हो गई है। हेडलाइट का स्विच आपको मिल जाता है। साउंड हमने सुना दिया, एक बार फिर से सुन लीजिए। थोड़ा नीचे की तरफ तो देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस बाइक में आपको 5-speed गियरबॉक्स मिल जाएगा, 5 gear यहाँ पर मिल जाएगा, साइड स्टैंड एंड सेंटर स्टैंड दोनों मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि आपको 250cc की बाइक में भी आपको सेंटर स्टैंड मिल जाता है। 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। कॉल देख पा रहे हैं, इस प्रकार से 5 में मिल जाता है। और ये बाइक डुअल स्पार्क प्लग के साथ आ जाती है, एक वहाँ हमने दिखाया है और एक यहाँ हमने दिखाया है। दो स्पार्क प्लग देखे, एक ये है और दूसरा आपको यहाँ पर एक स्पार्क प्लग मिल जाता है, यानी कि ट्विन स्पार्क वाली बाइक आ जाती है। और ये बाइक ऑयल कूल के साथ आती है। यहाँ पर काफी बड़ा सा आपको रेडिएटर दिख रहा होगा दोस्तों, ये इसका हॉर्न है, काफी लाउड साउंड मिल जाता है। ये इसका ब्रेक आपको मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको राइडर का फुटपैक है और ये पिलियन का फुटपैक है जो कि फुल्ली मेटल में मिलता है, और ये रबड़ और मेटल दोनों के साथ मिल जाता है। और डुअल वायरल के साथ यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है इस बाइक में। फ्रंट ब्रेन में आपको 37mm का USD फ्रॉग मिल जाता है, जबकि रेयर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 1342mm की इस बाइक की व्हील बेस मिल जाती है और सीट हाइट 800mm का मिल जाता है राइडर वाला, और जो पिलियन वाला जो सीट हाइट है ये 928mm का मिल जाता है। सीट हाइट दोनों का अलग अलग है। 165mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ये बाइक 164 किलोग्राम की आ जाती है और इस बाइक में आपको 14 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी दोस्तों। काफ़ी फ्यूचर से भरा ये बाइक आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। और ये बाइक हमारे श्रीयांश बजाज दुमका में अवेलेबल है, और इसकी जो तीन कलर है और तीनों के तीनों कलर हमारे श्रीयांश बजाज दुमका में अवेलेबल है। इस बाइक में आपको 249.07cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke SOSC 2-valve वाला ऑयल कूल वाला यहां पर FI इंजन आपको मिल जाता है। और इसका जो पावर है 18 किलोवाट का पावर जनरेट करता है 8750 RPM पर, और 21.5 Nm का टॉर्क जनरेट कर लेता है दोस्तों 6500 RPM पर। 5-speed गियरबॉक्स के साथ आ जाती है। पावर काफ़ी ज़बरदस्त इस बाइक में आपको मिल जाता है। 140mm का पीछे में टायर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस बाइक की जो टॉप स्पीड है आपको 132 से 135 की मिल सकती है अगर मेंटेनेंस में बाइक को आप चलाते हैं तो। इस बाइक से आप लगभग 35 का माइलेज निकाल पाएंगे, कंपनी क्लेम करती है। बाइक में आपको स्लीपर असिस्ट क्लच भी मिल जाएगा जो कि काफ़ी आसानी से आपका गियर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके ये भी फीचर इसमें दिया गया है। और साथ ही देख पा रहे हैं वहाँ पर एक 400 का डोमिनार भी लगा हुआ है, और ये भी बाइक हमारे यहाँ मौजूद है। इस बाइक की जो एक्सरूम प्राइस है हमारे श्रीयांश बजाज दुमका में 1,52,627 रुपया है, और इस बाइक को आप कम से कम 19,999 रुपये के डाउन पेमेंट में परचेज कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर डोमिनार 400 जो लगी हुई है, इस बाइक की जो एक्सरूम प्राइस है आपका 2,32,040 रुपया हमारे श्रीयांश बजाज में इस बाइक की एक शोरूम प्राइस है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो हमारा फेसबुक पे देख रहे हो दोस्तों पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।